हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहब्बत में कर गया सरहद पार गेम राम, एक भारत है जो बार बार मानवता का परिचय दे रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि एक बूढ़े माँ बाप के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं 19 साल के गेमरा राम की, जो बॉर्डर पार कर भूलवश 5 नवंबर 2020 को पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद लगातार सीमा सुरक्षा बल BSF से लेकर भारत सरकार वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान शायद मानवता की बात समझता ही नहीं है। पाकिस्तान नागरिक आया भारत की सीमा पूछताछ कर अपने वतन को लौट आया। दो दिन पहले ही 65 साल का बुजुर्ग भेड़ बकरियों की खोज में पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुस आया था, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने पूछताछ के बाद चंद घंटों में उसे उसके परिवार से मिलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया। इस बात की पाकिस्तानी रेंजर्स ने जमकर तारीफ की कि भारत का बड़ा दिल है। गुजरात फ्रंटियर के बाड़मेर सेक्टर के DIG विनीत कुमार कहते हैं कि हमने तो मानवता के नाते दो बार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस सौंप दिया है, अब हमें ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जल्द हमारे 19 साल के गेमरा राम को वापस भारत को सौंप देगा। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार कुछ भी साफ करने को तैयार नहीं। गेमरा राम के बुजुर्ग माता पिता और भाइयों ने कलेक्टर से लेकर मंत्री तक लगातार गुहार लगा दी। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार भी लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरीके से 19 साल के गेमरा राम को रिहा करवा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार गेमरा राम के मामले में कुछ भी साफ करने को तैयार नहीं। पड़े गया था प्रेमिका के घर, पहुँच गया पाकिस्तान, घर वालों का है बुरा हाल। मोहब्बत में लांगी सीमा, पाक में बंदी और अब वतन वापसी की उम्मीद में परिवार। गेमरा राम के जाने के बाद भारतीय सीमा में दो बार पाकिस्तानी नागरिक घुसे, एक बार तो 8 साल का बच्चा 2 अप्रैल को भारतीय सीमा में घुस गया था, जिसको सीमा सुरक्षा बल ने उसी दिन वापस सौंप दिया। उसके बाद अब शनिवार देर रात 65 साल का मुहिम भारतीय सीमा में घुस आया था। जब पूछताछ में कोई खास बात सामने नहीं आई और ये बात सामने आई कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं है, तो BSF ने मानवता के नाते उसे वापस उसके मुल्क पाकिस्तान भेज दिया। गेमरा राम के परिवार से लेकर BSF के अधिकारियों को इस बात का इंतजार है कि पाकिस्तान भी मानवता के नाते गेमरा राम को जल्द रिहा करेगा। भारत में कर गया सरहद पार। इस पूरे मामले में जांच करने वाले अधिकारी जेठाराम के अनुसार 16 नवंबर 2020 को मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। गेमरा राम आखिरी बार पड़ोस के ही घर में गया था और उसके बाद गायब हो गया। BSF की सूचना पर परिवार के लोगों को पता चला कि वो पाकिस्तान में है। परिवार ने मामला दर्ज करवाया। दो दिन जांच करने के बाद पता चला कि युवक पाकिस्तान चला गया है। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल को खत लिखा गया। मामले की जांच में ये बात सामने आई कि गेमरा राम का स्कूल की दोस्त लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी से मिलने गया था। इसी दौरान लड़की के घर वालों ने देख लिया तो गेमरा राम घर से फरार होकर पाकिस्तान चला गया। दोनों की कॉल डिटेल भी खंगाली गई और इस बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।